नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग दोस्तों यहां पे जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कम पैसा का बड़ा पोर्टफोलियो देखिए कम पैसा मतलब मैं यहां पर एक पोर्टफोलियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं लेकिन उसके पहले आप थंबनेल पर लगा हुआ डिस्क्लेमर भी अच्छा से देखें नॉट पर्सनल रिकॉमेंडेशन फॉर यू रीड डिस्क्लेमर बिफोर इन्वेस्टमेंट यानी कि वीडियो के शुरुआत में जो भी आपको डिस्क्लेमर दिया गया उसको आप ध्यान से पढ़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो डिस्क्लेमर है उसको ध्यान से देखें हाँ? कहीं कोई पर्सनल बाइंग की सलाह इसमें नहीं है लेकिन मेरे मुझे कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स लगे तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर लू आपके साथ बता कम पैसा का पो, पोर्टफोलियो ये बन सकता है स्टॉक लगभग पचास रुपए के नीचे हैं एक पचास के नीचे का स्टॉक है कितने का है एक सौ रुपए के नीचे का स्टॉक है ठीक है तो इसीलिए मैंने इसका हेडिंग रखा कम पैसा का बड़ा पोर्टफोलियो तो आपको मैं बता दूं पोर्टफोलियो जब भी बनता है थ्री टू फाइव ईयर्स के लिए बनता है तीन से पांच साल के लिए बनता है और आप इसमें बिल्कुल टाइट से होल्ड करके बैठना चाहिए मैंने पकड़िए सही समय और उसमें होल्ड करके बैठिए ऐसा नहीं कि चार परसेंट पांच परसेंट गिरावट आया तो भाग गए फिर पैसे नहीं बनेगा और एक ही स्टॉक सेलेक्ट कर लिया दो ही सेलेक्ट कर लिया तो पैसा नहीं बनेगा पर असला वो दो नहीं चला बाकी सब चल जाएगा है ना तो जब भी पोर्टफोलियो बनता है तो सारे अलग अलग सेक्टर को मिक्सअप होकर बनता है इसलिए यहाँ पे मैं टोटल चौदह स्टॉक्स बताऊंगा जो अलग अलग सेक्टर से है आप उस पर अपना राय मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा और ये पोर्टफोलियो के बारे में ये पोर्टफोलियो किस टाइप का आपको पसंद आया मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटे प्राइस का पोर्टफोलियो मैक्सिमम पचास रुपए से सौ रुपए पचास रुपये बीस रुपए से सौ रुपए तक का बीस रुपए से डेढ़ सौ रुपए तक का आपको इसके अंदर स्टॉक्स मिलेगा तो चलिए शुरुआत करता हूँ एक एक करके देखते हैं वो सारे स्टॉक्स का नाम क्लियर है तो चलते हैं अभी हम लोग चार्ट पर तो चलिए दोस्तों यहां पर चार्ट पर आ गया हूं और सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो आपके सामने में लेके आता हूं बीस रुपए से लेके डेढ़ रुपए तक का स्टॉक आपको मिलेगा पहला स्टॉक है डी डब्ल्यू ये सेक्टर कौन सा है ये सेक्टर है केमिकल का मैं आपको सेक्टर भी बताता जाऊंगा ये सेक्टर का केमिकल है सॉरी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और यहां पर इसका प्राइस आप देखें पचपन रुपए पंद्रह पैसे देखिए जब से मोदी गवर्नमेंट सरकार बना है मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आया हुआ है आप देख भी रहे तो एक पोर्टफोलियो मैंने पहले भी शेयर किया था मोदी करके ये दूसरा पोर्टफोलियो मैं आपको दे रहा हूँ आप चाहे उसे सेलेक्ट करें अपने लिए या उसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाल लें इसमें से कुछ ले मिक्सअप करके ले सकते हैं आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सलाह करके कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं दे रहा हूँ ये डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिएगा अच्छा अब ये देखिए ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है तो ये मैं नाम रख रहा हूँ मैं अपना बात बता रहा हूँ आपको लेना है ना लेना वो आपकी मर्जी है पहला स्टॉक है डीसी क्या है ये तो केमिकल सेक्टर है और ये इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं पचपन रुपए पंद्रह पे क्लोजिंग चल रहा है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देखिए एक सप्ताह में लगभग छह परसेंट का रिटर्न दिया है तीन मंथ में लगभग ढाई परसेंट का निगेटिव रिटर्न दिया है छे मंथ में लगभग हाफ परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न एक साल में लगभग उन्नीस परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न तीन साल में लगभग तिरपन परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न और पांस साल पांस साल में 208%, 208 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक का नाम है डी सी डब्लू सेक्टर क्या है केमिकल का तो ये एक स्टॉक हो गया और यहाँ पर मैं आपको ये सब भी दिखाता जा रहा हूँ ईपीएस पी वगैरह ये सब तो आप कहीं से भी देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं

को देखें कितना रिटर्न दिया है तो एक सप्ताह में पौने तीन परसेंट का रिटर्न दिया तीन मंथ में लगभग से ज़्यादा रिटर्न एक साल में वन थर्टी परसेंट का रिटर्न का रिटर्न के दिया केनरा बैंक जबरदस्त स्टॉक पीएसयू है सरकारी स्टॉक है और ये फोर्टी नाइन रुपीज एटी नाइन पैसे पे अवेलेबल है उनचास रुपए यानी पचास रुपये आप पकड़ सकते हैं अगर आप इसमें भी देखें तो ये भी काफी जगह आपको आपके आसपास में भी ग्रामीण लोगों को या छोटे छोटे दुकानदार लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है स्मॉल फाइनेंस है ना ये उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस और इसका अगर हम रिटर्न देखते हैं तो क्या है रिटर्न है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल रिटर्न है कि एक सप्ताह में आपको जीरो पॉइंट वन एट परसेंट का रिटर्न तीन मंथ में लगभग चार परसेंट का माइनस निगेटिव रिटर्न छह मंथ में लगभग सोलह परसेंट का निगेटिव रिटर्न एक साल में पैंतीस परसेंट का पॉजिटिव तीन साल में आपको पचास परसेंट के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न और पांच साल में पैंतीस परसेंट का रिटर्न बना के दिया है पोर्टफोलियो इसीलिए कहा जाता है कभी एक महीना के लिए मत बनाइए छ महीना के लिए मत बनाइए जब भी बनाइए थ्री टू फाइव ईयर्स के लिए बनाइए उसमें आपको एक बेहतरीन रिटर्न बना के देता है स्टॉक इसके अलावा चौथा स्टॉक जो है वो है पटेल इंजीनियरिंग देखिए ये सेक्टर कौन सा है ये सेक्टर है इंफ्रा का है ना घर मकान रियल ये वाला बनाने का इंफ्रोफ्रा टेल इंजीनियरिंग तो काफी बढ़िया स्टॉक सिक्सटी थ्री अक्सर टीवी पे भी आते हुए आप देखते होंगे इसको सिक्सटी थ्री अभी सी एम पी चल रहा है इसका और सीएम पी के अनुसार अगर हम इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप जरा देखिए कि एक सप्ताह में एक परसेंट का रिटर्न सात तीन महीने में लगभग सात परसेंट का नेगेटिव रिटर्न छह महीने में अट्ठाइस परसेंट का रिटर्न एक साल में एक सौ चौवालीस परसेंट का रिटर्न तीन साल में तीन सौ अट्ठाईस परसेंट का रिटर्न थ्री ट्वेंटी एट का और पांच साल में एक सौ सत्तावन परसेंट का रिटर्न बना के आपको दे रहा है जबरदस्त पटेल इंजीनियरिंग बहुत ही जबरदस्त स्टॉक आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवा स्टॉक्स है प्रीति इंटरनेशनल क्या है नाम प्रीति इंटरनेशनल तो चलिए मैं नाम ले आता हूँ आपके सामने में स्टॉक्स ले आता हूँ प्रीति इंटरनेशनल यहाँ पे भी नाम आप देख पा रहे हैं और इधर भी आप नाम देख पा रहे प्रीति प्रीति इंटरनेशनल कंप्लीट नाम है यहाँ पे वन थर्टी नाइन रुपीज के आसपास में इसका भाव है और काम क्या करती है लकड़ी से बने हुए प्रोडक्ट वुड प्रोडक्ट वुड कंपोनेंट जितने होते हैं कुर्सी टेबल और थोड़ा अलग ढंग का डिजाइन डिजाइनदार वो सारे काम ये करती है प्रीति इंटरनेशनल और इसका क्या चल रहा है इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिखा रहा है एक सप्ताह में साढ़े तीन परसेंट का निगेटिव रिटर्न तीन मंथ में तेईस परसेंट का निगेटिव रिटर्न छह मंथेंट का निगेटिव रिटर्न एक साल में सत्रह परसेंट का निगेटिव रिटर्न और तीन साल में सीधे चार सौ चौरासी परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न और पांच साल में चार सौ तिहत्तर इसीलिए कहा जाता है पोर्टफोलियो कभी भी छोटे टर्म के लिए नहीं बनाना चाहिए हमेशा थ्री टू फाइव ईय के लिए बनाना चाहिए तो आपने देखा इसका रिटर्न इसके स्टॉक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इसका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा मन करेगा कि ऑर्डर कर दे बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट से रिलेटेड बनाता है इसके अलावा जो है स्टॉक वो क्विक 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 टच 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 क्या नाम है टेक्नोलॉजी टच, टच, टेक्नोलॉजी अब ये जो है टेक्नोलॉजी वाला है आईटी वाला स्टॉक है अब इस स्टॉक्स में एक इशू है वो इशू मैं आपको बता देता हूँ पहले पहले इसके रिटर्न देख लेते हैं उसके बाद अंदर आपको एक इशू बताऊंगा क्या इशू है इसका क्लाइंट इसके बहुत अच्छे है लेकिन एक इशू है अभी रिसेंटली वो बताता हूँ एक सप्ताह में इसने सवा परसेंट का रिटर्न तीन मंथ में चालीस परसेंटिव रिटर्न छह मंथ में चालीस परसेंट का निगेटिव रिटर्न एक साल में 4 चार परसेंट का पांच परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न तीन साल में सौ परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न पांच साल में सौ परसेंट का ये लॉट में है ये क्या है लॉट में है ये ऑप्शन का नहीं है ये फ्यूचर में नहीं है ये इमर्ज स्टॉक है इमर्जिंग पे आपको मिलेगा है ना इसलिए इसमें लॉट चलते हैं और ये 500 का लॉट मैंने कम से कम खरीदना पड़ेगा ना ये स्टॉक को तो 500 सौ क्वान्टिटी खरीदना पड़ेगा इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये स्टॉक आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये आप लोग को पसंद नहीं आएगा क्यों क्योंकि ये एक क्वांटिटी नहीं देगा ये जब भी देगा 500 के लॉट में देगा कि भाई 500 सौ लोग अब जैसे लॉट बोल रहा हूं तो ये मैं समझ सुनिएगा कि ऑप्शन में है नहीं फ्यूचर में नहीं बिल्कुल ये इमर्ज स्टॉक है इमर्जिंग स्टॉक है इसके वजह से एक्स जेड में श्रेणी में आ जाता है इसके वजह से ये लॉट में अभी चल रहा है ठीक है इसलिए फाइव हंड्रेड से कम का ये माने क्वांटिटी नहीं मिलेगा आपको तो उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक आपके लिस्ट में नहीं रहेगा आप लोग इसको पसंद नहीं करिएगा लेकिन फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है चलिए आगे बढ़ता हूँ लॉजिस्टिक सेक्टर में देखिए अलग अलग सेक्टर दिया अभी मैंने कौन सा दिया केमिकल दे दिया बैंक पी एस यू दे दिया एनबीएफसी दे दिया उसके बाद इंफ्रा दे दिया वुडेन वाला दे दिया आईटी वाला बता दिया अब है

और तीन साल में 822 सौ परसेंट एट परसेंट का रिटर्न बना के दे रहा है एट हंड्रेड ट्वेंटी टू और पांच साल में थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर परसेंट का रिटर्न तो आप देखिए कितना लॉन्ग टर्म रखते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है, है ना तो ये आपको बताता है तो टाइगर लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है प्रोवाइड करती है आगे बढ़ता हूं टाइगर लॉजिस्टिक बात है पावर ग्रीन आइनोक्स ग्रीन वो हवा से बिजली नहीं बनाता है वही आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी काफी जाना माना नाम है काफी बार बार टीवी पे आता रहता है देखते ही होंगे आप लोग इसके अलावा चलिए आगे बढ़ता हूं और आइनोक्स ग्रीन आइनोक्स ग्रीन है स्टॉक और एक सौ तो पैंतीस रुपए के आसपास में भाव है और ये हवा से बिजली बनाती है जैसे सुजलोन वगैरह बनाती है ना वैसे उसी ढंग का लेकिन आपको इसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे नजर रखना है सुजलोन की कहानी तो आप सबको मालूम ही है नए वाले लोगों को नहीं मालूम होगा जो अभी छः महीना साल भर पहले आए तो उनको सुजलोन का कहानी नहीं मालूम होगा तो पुराने लोग उनको मालूम होगा सुजलोन का कहानी तो आप यहाँ पे देखिए आइनॉक्स ग्रीन एक वन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट निगेटिव रिटर्न एक सप्ताह का तीन मंथ में लगभग पौने परसेंट जीरो पॉइंट सेवन परसेंट का नेगेटिव रिटर्न और छह मंथ में नाइन्टी एट परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न वन ईयर में वन फिफ्टी सेवन परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न थ्री इयर्स में वन हंड्रेड सेवन परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न और फाइव ईयर्स में वन हंड्रेड सेवन परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न बना के आइनॉक्स ग्रीन ने आपको दिया है जबरदस्त स्टॉक है आइनॉक्स ग्रीन आगे बढ़ता हूं अब किसकी बारी है होटल ओहो जबरदस्त होटल में देखिए दोस्तों लेमन ट्री होटल पहले तो हम देखेंगे लेमन ट्री होटल को ये एक पसंदीदा शेयर रहा है लेमन होटल होटल में काफी ज्यादा ये कारोबार फैला भी रहा है अपना एक सौ तैतालीस रुपए वन फोर्टी टू के आसपास से थ्री के आसपास में प्राइस चल रहा है और इसका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है अगर आप देखा जाए तो सिर्फ ग्रीन में ही नजर आ रहा है आपको वन वीक में

अडवानी होटल अब ये लाल कृष्ण अडवाणी जी का नहीं है भाई ऐसा ना सोचिएगा नाम है अडवानी होटल एंड रिजोर्ट अब होगा अभी तो मुझे नहीं पता मुझे स्टॉक अच्छे लगे मैं जो पसंद है मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपका अपना राय आप बताइएगा मुझे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है इसका भाव है सेवेंटी वन रुपीज के आसपास में अडवाणी होटल एंड रिजॉर्ट अब इस पर क्या है इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वो देख लेते हैं तो देखिये वन वीक में लगभग 1.69 परसेंट का नेगेटिव रिटर्न है थ्री मंथ में 15 परसेंट से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न सिक्स मंथ में 32 परसेंट से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न वन ईयर में सिक्सटी परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न थ्री ईयर में वन हंड्रेड यानी एक परसेंट का लगभग पॉजिटिव रिटर्न और पांच साल में एक परसेंट से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना के अडवाणी होटल ने आपको दिया है भाव कितना है ओनली सेवेंटी वन के आसपास का भाव है तो होटल भी हो गया अब आते हैं पावर में यानी कि बिजली भाई इसमें सी एस सी है ना सी कलकत्ता इलेक्ट्रिक आप इस पर नजर रखें एक सौ सैतालीस पे सतहत्तर पैसे का भाव है वन हंड्रेड फोर्टी सेवन पॉइंट सेवेंटी सेवन पैसे बिजली की खपत दिनों दिन बढ़ती है कम होता नहीं है आप इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें एक साल में आपको एक सप्ताह में परसेंट का वन वीक में दिया है थ्री मंथ में रिटर्न में ट्वेंटी में वन हंड्रेड एट परसेंट का रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न लगभग हो गया और थ्री ईयर में एक सौ ग्यारह परसेंट से ज्यादा का रिटर्न और साथ ही पांच साल में इसने आपको एट्टी नाइन परसेंट से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है नाम है सीई एस सी पावर सेक्टर में ठीक है अलग अलग सेक्टर है यहाँ पर मेरे पास एक और स्टॉक है अवेंटल अभी स्टॉक लिस्ट में और भी है अवेंटेल क्या है ये टेली कम्युनिकेशन टेली इसलिए टेलीकम्युनिकेशन वाले सेक्टर से भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसका नाम है अवेंटेल एक सौ तेईस पैसे के आसपास का भाव है और इसके जो रिटर्न है वो क्या दे रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ही रिटर्न बना के दे रहा है अब देखिए एक सप्ताह में 1.31 परसेंट का रिटर्न तीन मंथ में दस परसेंट से ज्यादा का रिटर्न छह मंथ परसेंट का रिटर्न वन में दो सौ नौ परसेंट का रिटर्न टू हंड्रेड नाइन का और थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड वन परसेंट से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है ओहो, और पांच साल में देखिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी नाइन यानी कि टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिया गया है OMG, oh आगे बढ़ते हैं इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी हो गया इसके अलावा हम लोग चलेंगे निक्को में निको निक्को पार्क एंड रिज़ॉर्ट देखिए वंडरला तो आपने देखा ही है वंडरला क्या करता है यही करता है अम्यूजमेंट पार्क वगैरह करता है है ना खेल कूद करवाता है तो उसी टाइप का ये स्टॉक है निको तो uh, वंडरला तो थोड़ा महंगा तो थो हो गया सर ये है वन फोर्टी पॉइंट नाइनटी फाइव परसें एक सौ सैतालीस रुपए के आसपास का इसका वंडर इसका निको पार्क एंड रिजोर्ट का चल रहा है इसका अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं देखिए लोग घूमते फिरते तो है ही ना जाते तो है खाते पीते भी है अब यहाँ पे देखिए क्या है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एक सप्ताह का एट परसेंट का नेगेटिव रिटर्न और एक साल में नौ परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न तीन साल में दो परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न और पांच साल में फोर परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है निको पार्क एंड रिजॉर्ट ने जबरदस्त स्टॉक जबरदस्त तो ये भी हो गया भाई आपके लिए सेक्टर हो गया क्लब वगैरह इसको आप रख सकते हैं हॉस्पिटेलिटी रख सकते हैं इसके अलावा अब फिर से एक आई टी पर आता हूं और आई स्टॉक का नाम लिखता हूँ ट्रिपल ए टेक क्या है ट्रिपल ए टेक ट्रिपल ए, टेक, ए टेक्नोलॉजी 115.42 पैसे का इसका प्राइस है सीएम पी आज डेट है 11 जून 2024 तो ये भी ध्यान रखिएगा और एक सौ पंद्रह रुपया बयालीस पैसे के आसपास का इसका भाव चल रहा है साथ ही इसका रिटर्न देखते हैं हिस्टोरिकल तो एक सप्ताह में लगभग बारह परसेंट का रिटर्न तीन मंथ में लगभग सोलह परसेंट का छह मंथ में लगभग अंठावन एट वन ईयर में वन हंड्रेड एट परसेंट का रिटर्न थ्री ईयर में एक सौ अठासी परसेंट का रिटर्न और पांच साल में तीन सौ बारह परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी तो ये स्टॉक हो गया आई में एक अलग से तो क्विक टच एक टेक्नोलॉजी दिया था आई में उसको चाहे हटा दीजिए रिप्लेस कर दीजिए इससे तो कोई दिक्कत नहीं इसलिए ऑप्शन तो रखा ही अब टोटल अभी तक तेरह स्टॉक मैंने बताया अब जो अंतिम स्टॉक मैं बता दे रहा हूं वो है फार्मा का और वो एक पेनी शेयर है ठीक है अब वो पेनी शेयर है डेसी क्या है स्टॉक का नाम डेसी लैब ये एक पेनी शेयर है बीस रुपया पैंसठ पैसे के आसपास मैं आप इसका सीएमपी आज, आज आप देख पा रहे हैं सोलह का आज पॉजिटिव रिटर्न बना के इसने दिया है डेसी लैब ने और इसके रिटर्न की बात करें तो आप देखिए कि एक सप्ताह में तैंतीस परसेंट से ज्यादा का रिटर्न एक मंथ तीन मंथ में पंद्रह परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न छह मंथ में बाईस परसेंट का एक साल में सत्रह परसेंट और तीन साल में निगेटिव दिया पांच साल में भी निगेटिव दिया तो ये अभी चूंकि पेनी शेयर है इस वजह से ऐसा है है ना पेनी शेयर का यही तो खासियत होता है चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक इसलिए एक पेनी शेयर इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें आप खोएंगे कुछ भी नहीं बीस रुपए खोएंगे ज्यादा से ज्यादा तो यही तो खोएंगे उससे ज्यादा तो खो ही नहीं सकते ज्यादा ज्यादा स्टॉक जीरो ही तो होगा लेकिन अगर ये चला फार्मा का स्टॉक है धीरे धीरे ही चला उतना ही पैसा लगाएंगे जिसके डूब जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा फॉर्मूला लगा लेंगे है ना इस स्टॉक में वैसा ही पैसा लगाएंगे जिसके डूब जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं छोटा सा पूरे कैपिटल का जो लगाएंगे छोटा सा तो टोटल चौदह स्टॉक अलग अलग सेक्टर का मैंने आपको बना के दिया वीडियो रिपीट करके देखना है रिपीट करके देखिए आप जैसे देखना है वैसे देखिए और ये स्टॉक में आपको एक दो स्टॉक को नहीं पकड़ना है बल्कि पूरे को चलना पड़ेगा पोर्टफोलियो में तब पैसे आपके वहां पे बनेंगे लेकिन कम से कम तीन से पांच साल के लिए तो सारे अच्छे स्टॉक्स मैंने अपनी समझ से निकाला है आप अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पोर्टफोलियो लेकिन मैं फिर से बता दूं अगर आप इसमें पोजिशन बनाते हैं तो किसी से जरूर सलाह मशूरा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, से ले लें किसी परिचित से ले लें जो जानता हो बिना मेरे कहे पर मत लीजिए बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा मेरे कहे पर मत लीजिए स्टॉक्स बता मैंने दिया आपको आप अपनी रिसर्च चांसेस उस पर जरूर करिए हाँ लेकिन अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ठीक है मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद